कितनों को पता है कि यीशु मसीह का इस दुनिया का आने का क्या कारण है? तो आज मैं चाहता हूं मैं आपको थोड़ा सा मैसेज दूं इस बात के ऊपर ताकि आपको समझ आए। तो निकालो अपनी पवित्र बाइबल को, अपने उस वचन को, हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे। निकालो निकालो सब अपनी बाइबल को, मत्ती की पुस्तक उसका एक अध्याय। एक नहीं, दो से दो की एक से पढ़ेंगे, दो की एक से। एक में भी यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है, पर दो से हम पढ़ेंगे दो में। तो यहां पे दो की एक से एक में लिखा, हेरोदेश राजा के दिनों में सब यहूदियों के बैतलम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसके उसको प्रणाम करने आए हैं। जे सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, क्या है जो लिखा गया है, वो वचन क्या हो, पूरा हो। क्या है बोलो? पूरा हो। अगर हम साथ में पढ़े, लिखा, तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब मैं मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी उसको प्रणाम करूं। ये हेरोदेश राजा की एक शैतानी प्लानिंग है। बोलो क्या है? शैतानी दिमाग है जो वो ज्योतिषियों को कह रहा है। बोलो क्या है? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष होते हैं ना, तो वो इन चीजों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोलो क्या है, उनके पास जाते हैं ना अपने काम के लिए। समझ आ रही है? तो उन्होंने ऐसे अनुमान लगाया। क्या लगाया? तो वो इस ब्रह्मांड को पूरे ऐसे उसने जो एस्ट्रोलॉजी की चीज है, तो से उन्होंने अपना अनुमान लगाया कि यीशु मसीह के बारे वो कहां पैदा होगा, और उसके हिसाब से उसे प्रणाम, मतलब प्रणाम समझ, दंडवत, जैसे नमस्कार। हाँ बोलो, दंडवत में समझते ना, जैसे क्या करते हम, तो उसे उस तारे के हिसाब से उसे वो करने के लिए आए, और लोगों से वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। और जब लोगों को ये समाचार मिला कि कौन राजा पैदा होगा, तो लिखा पूरा यरूशलेम और हेरोदेश भी क्या हो गया, दुविधा में पड़ गए। और चेतानी से हेरोदेश राजा ने जोशियों को कहा, ठीक है, अगर आपने उस तारीख को देखा, जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी क्या करूंगा, प्रणाम करूंगा, मैं भी उसे दंडवत करूंगा। समझे हो? और नौ में लिखा, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंच कर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल खिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग में अपने देश को चले गए।
क्या चले गए? क्योंकि हेरोदेश का जो मन था, जो उसका माइंड था, उसमें कुछ और चल रहा था. क्या चल रहा था? कुछ और चल रहा था. पर परमेश्वर के आत्मा से उन्होंने दर्शन में जो चेतावनी पाई, क्या पाई? क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन में उन ज्योतिषियों को कहा कि अब दोबारा जो हेरोदेश ने बात कही थी कि मुझे भी बताना, वापस आकर जब जो बालक है जहां पे जन्मा, मैं भी उसे प्रणाम करूंगा, तो मुझे भी बताना. पर स्वप्न में परमेश्वर ने पहले ही ज्योतिषियों को बता दिया कि हेरोदेश के पास जाना. तो लिखा वो दूसरे मार्ग चले गए. और 13 में लिखा, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई, देखकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूंढने पा रहा, उसे मारने मरवा डाले. क्या डाले? उसे मरवा डाले. तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला दिया, और हेरोदेश के मरने तक वही रहा. इसलिए वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में बुलाया है. जब हेरोदेश ने जे देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला. तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ. रामाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप. राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे. क्या नहीं रहे? वो नहीं रहे. ऐसा क्यों? बोलो, क्यों हेरोदेश यीशु मसीह को मारना चाहता था? बोलो. और जब ज्योतिषियों ने जो बात उन्हें कही थी वो चले गए, और गुस्से में आकर, बोलो क्या है? गुस्से में आकर उसने बैतलम में अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर जितने 2 साल के बच्चे और उससे कम वाले सबको मरवा डाला. उसने ऐसा क्यों किया? बोलो क्या है? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब ज्योतिषियों ने उसे आकर यह समाचार दिया बैतलम वासी के लोगों के कि हमने एक पूर्व में एक तारा देखा है, एक बालक पैदा होगा और वो राजा होगा. राजा तो हेरोदेश ने कहा, मेरे अलावा इस दुनिया में और कौन इस नगर में राजा आएगा? तो उसने कहा कि मेरी गद्दी पर बैठेगा कोई तो उससे पहले मैं क्या करता. समझे? क्योंकि हर को जैसे संसार में कुर्सी की लड़ाई है ना, क्या है कुर्सी की लड़ाई. तो उसने कहा कि कौन आएगा, इसीलिए तुरंत ये बात उसके माइंड में किसने डाल दी? शैतान ने. क्योंकि शैतान भी जानता था कि जो आने वाला है वो कौन है और वो क्या करेगा. हाँ, वो क्या करेगा? बोलो, क्या करेगा? अपने लोगों को क्या करेगा? वो उस पाप से जो शुरू में शैतान ने आदम और हवा से करवाया था वो छुड़ाएगा आकर. क्या करेगा? तो उसने पैदा होने से पहले ही शैतान ने प्लान किया. क्या किया? हेरोदेश को इस्तेमाल किया. क्या किया? कि उससे मैं क्या कर दूं, क्योंकि शैतान को एक शरीर चाहिए, एक बॉडी चाहिए. बोलो क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए. तो उसने हेरोदेश को इस्तेमाल किया ताकि अगर यीशु मर जाएगा, क्या जाएगा, तो जो काम मैंने आदम और हवा से जो पाप करवाकर इस पृथ्वी पर जो मैंने अपना अधिकार बनाया है, मेरा राज्य शैतान ने सोचा था कि सदा बना रहेगा, पर परमेश्वर का प्लान शैतान के प्लान से बड़ा है. बोलो क्या है?
बड़ा है, आज भी परमेश्वर का प्लान आपके लिए बड़ा है, आमेन। पर आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि शैतान ने अपने प्लान से यीशु मसीह को मारना चाहा, अगर बच्चा नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को, जो मरियम का क्या था, पति था, बोलो क्या था, उसे पहले ही स्वप्न में आकर बता दिया था कि इस बालक को लेकर मिस्र में चला जा। लिखा वो जब तक उस राजे की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो वहीं रहा। क्या रहा? वहीं रहा। समझदारी ना, क्योंकि परमेश्वर भी महान है और ये ऐसे नहीं है, ये सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा पहले से ही ये सब प्रोफेसियां, ये सब कुछ पहले से ही परमेश्वर बता चुके थे। समझ आ रही है? तो शैतान ने तो चाहा, बोलो क्या है, शैतान ने तो चाहा कि मैं हेरोदेश के द्वारा उस बालक को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा और मेरा राज सदा ही पृथ्वी पर बना रहेगा। समझ आ रही? क्या रहेगा? बना रहेगा। और उसका प्लान फेल हुआ क्योंकि परमेश्वर का प्लान उससे बड़ा है। बोलो क्या है? परमेश्वर का प्लान उससे बड़ा है, आमेन। और वो आज वो प्लान इस दुनिया में प्रकट हो चुका है और परमेश्वर ने हमारे बीच इस बात को प्रकट कर दिया है कि यीशु मसीह क्यों जन्मा है, क्यों वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और किस बात के लिए आया है। पता है ना आप सब, पता है ना, हम आज खड़े होकर अपने जीवन की गवाहियां देते हैं तो क्यों देते हैं? अगर वो बालक पैदा ना होता, बोलो क्या है, क्या ना होता, वो बालक पैदा ना होता तो आज हमें उस पाप से छुटकारा ना मिलता। पर जिस बात के लिए यीशु मसीह आया, बोलो क्या, वो आया, उसने उस बात को पूरा किया इस दुनिया में और आज उसने अपना जीवन देकर हमें छुड़ाया है। ये सबसे बहुत ही ये एक भेद की बात है जो दुनिया जानती नहीं। बोलो क्या है? देखो देखो, एक ज्योतिषी जो विश्वास भी नहीं करते, क्या नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते, पर उन्होंने उस अपनी उस ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजी से ये अनुमान लगाया उस तारों की, उन उस चीजों से, कि जो पैदा होने वाला वो कौन है। समझ आ रही है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चय मैं जानता हूं कि अगर उन्होंने इतना आदर सम्मान दिया, देखा ना उसके पैदा होने में उन्होंने क्या किया, जब आए उसे मिले, उस घर में देखा यीशु को, उसकी मां मरियम की गोद में, तो लिखा अपने अपने थैले से उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई खुशी से। आज हम उसकी खुशी के आने में, बोलो क्या है, आज हम उसकी इस दुनिया में आने की खुशी में क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हो? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जन्म की खुशी में लोग क्या करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आप क्या करना चाहते हो उसके लिए? ज्योतिषियों ने तो लिखा अपने थैले से सोना, लबोन, बोलो, और गंधरस, कुछ ऐसी चीजें भेंट चढ़ाई और प्रणाम किया, क्योंकि कौन पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है, यहूदियों का राजा, जिस दुनिया में उद्धार करता पैदा हुआ, जिसने हमें आज उद्धार दिया है और ये जीवन दिया है, ये शांति दी है, जो बाइबल में लिखा सोने और चांदी से भी ये हमें मिलने वाली, ये जीवन सोने और चांदी से भी नहीं मिलना था, पर किसने ये दिया हमें, किसने ये हमें दिया है? उस परमेश्वर के लिए, उस यीशु मसीह के लिए, जो इस दुनिया में जो राजा होकर आया, पर वो लिखा हमारे लिए कंगाल बन गया, वो आया, वो राजा बनकर आया, पर लिखा हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। क्या हो जाएं? हम धनी हो जाएं, हम धनी जीवन जिए, आमेन।
तारीफ करो जोर से।